हेलो, हम डे ग्रेटिट्यूड बहुत बार कर चुके हैं। शुरू में मैंने कई बार नाइट ग्रेटिट्यूड की वीडियो भी बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी। फिर भी मैं आज आपको नाइट ग्रेटिट्यूड का फॉर्मेट बताती हूँ। नाइट ग्रेटिट्यूड आप कैसे कर सकते हैं दिन में, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे होते हैं तो आपके आंखों के सामने बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखते हैं तो आपको याद आता है कि मैं इसका ग्रेटिट्यूड कर लेती हूँ, इसका कर लेती हूँ, इसका। फिर भी अगर दिन के ग्रेटिट्यूड में नहीं आता, मुझे अभी आज मैं बड़ी सरप्राइज थी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया किसी का कि आई लाइक योर ग्रेटिट्यूड वीडियोज बट आई डोंट नो हाउ टू डू ग्रेटिट्यूड वॉक, हाउ कैन आई स्टार्ट। तो इसी के लिए तो 100 ग्रेटिट्यूड वॉक वीडियोज दिए है ना आपको, कि दिस इज हाउ यू डू इट। लाइक कोई भी एक वीडियो वॉच करो, यू गेट आइडियाज एंड देन यू मेक श्योर कि मुझे 10 चीजों का ग्रेटिट्यूड करना है, सिंपल। एनीवेज, तो नाइट ग्रेटिट्यूड जो है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज जाके ग्रेटिट्यूड वॉक की डे की वीडियोस देखें। नाइट ग्रेटिट्यूड में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप मेक श्योर कि आप जो नाइट ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, उसके बाद किसी और के साथ किसी कन्वर्सेशन में इंटेंगल मत होइए। कोई वीडियो, रील्स, कोई इन्फॉर्मेशन कंज्यूम मत कीजिए, किसी की वाणी कंज्यूम मत कीजिए, कोई थॉट्स कंज्यूम मत कीजिए, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब जब आपका जस्ट ओन टाइम हो गया, आप लेट गए हो, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वॉशरूम वगैरह सब कुछ हो गया, अभी जस्ट यू जस्ट लेइंग डाउन ऑन बेड और इसके बाद आप सोएंगे, तो आप अपने दिन का एक क्विक रिव्यू कीजिए। सबसे पहले आज की तारीख देखिए, आज की तारीख क्या है, 16 मई है आज। तो आज 16 मई सुबह मैंने क्या किया, ओ वाओ, मैंने सुबह मैजिक डोज सुनी, वाओ, ग्रेटिट्यूड कर दो मैजिक डोज के लिए, ग्रेटिट्यूड कर दो वंडर नारी फैमिली के लिए, ओके। उसके बाद अगर बाय द वे आपको मैजिक डोज नहीं पता तो कमेंट में जरूर डालें, मैं आपको बताऊंगी मैजिक डोज क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद मैंने अपने बेड को ग्रेटिट्यूड किया, वाओ, थैंक यू सो मच। उसके बाद आपने पानी को ग्रेटिट्यूड किया, फिर आपने दिन में किन किन लोगों से मिले, कुछ आपको कठिनाइयां आई होंगी, कुछ खुशियां आई होंगी, कुछ एक्साइटमेंट आई होगी, कुछ सेलिब्रेशन आए होंगे, तो अलग अलग आपको चीजें एक्सपीरियंस हुई होंगी। तो रात को जो मोटी मोटी मेरी प्लेट में खाना था, वाओ, थैंक यू सो मच, मेरी बॉडी पूरा दिन मेरा साथ दिया, बॉडी ने, मेरी बॉडी स्वस्थ रही, थैंक यू सो मच। मेरे पास ब्यूटीफुल कपड़े थे जिन्होंने मुझे वेदर से बचाया, थैंक यू सो मच। कौन सी एसेंशियल 4 से 5 चीजें आप काउंट करके रखें, आपको बहुत ऑन एंड ऑन नहीं जाना है, 4 या 5 चीजें अपना शरीर कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों के लिए कर सकते हो, जिस पैसे की वजह से आपके प्लेट में खाना था उसके लिए कर सकते हो, सिर पे छत है और आराम से सो सकते हो इसके लिए कर सकते हो, 4 या 5 चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी कर सकते हो ग्रेटिट्यूड, तो सबसे बड़ी बात अपने शरीर और अपनी सांसों के लिए ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो काफी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आपके मन में से ग्रेटिट्यूड नहीं निकल रहा है चीजों का तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि हम एप्रिशिएटिव नहीं है जो हमें लाइफ में मिला है। तो ग्रेटिट्यूड में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको रट्टा लगाना है कि 10 चीजें आपको ये ग्रेटिट्यूड करना है, अगर ग्रेटिट्यूड आपको थैंकफुलनेस, आप ये सोचो कि ये चीज मेरी लाइफ में ना होती तो कैसी पीड़ा होती, उस पीड़ा को 2 मिनट के लिए इमेजिन करके देखो, अपने आप खुद ही ग्रेटिट्यूड आ जाएगा। ये कपड़े अभी इस टाइम ठंड लग रही है, गूज़बम्प्स आ रखे हैं, अगर ये कपड़े ना हो तो कितनी और ज्यादा ठंड लगे, और शायद इस मौसम में आपको और ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील होता है अपने कपड़ों के लिए। ये फोन ना हो तो ग्रेटिट्यूड मैं वंटनारी फैमिली के साथ कैसे कनेक्ट कर पाऊं, ये अच्छा मौसम ना हो तो मैं सांस कैसे ले पाऊं, ग्रीनरी ना हो मैं सांस कैसे ले पाऊं, ये बेंच ना हो तो कंफर्टेबली बारिश से बचने की शेड ना हो तो अभी बारिश में भीग रही थी इससे पहले, राइट। तो आप कोई भी 5 से 6 चीजें अपने दिन में जो हुई हैं उनको उठाएं और रात को ग्रेटिट्यूड करें और इसको अपना एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस बनाएं। रात को अच्छे मूड से सोना और सुबह उठते ही मैजिक डोज से अपना दिन अच्छे से स्टार्ट करना, अगर ये 2 एक्टिविटीज आप कुछ मत कीजिए, लोग कहते हैं ना कि हम एलओए कहां से फॉलो करें, मैनिफेस्टेशन कहां से शुरू करें, आप 2 ही एक्टिविटीज से शुरू कर लो, अदरवाइज बहाने तो आज भी बन रहे हैं, बहाने बाद में भी बनते रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, जैसी लाइफ अभी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी, वीडियोस पे वीडियोस देखते रहेंगे, मेंटर्स पे मेंटर्स बदलते रहेंगे, लेकिन क्या नहीं बदलेगा वो है लाइफ। चेहरे बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा, लेकिन इंसिडेंट्स की पेन नहीं बदलती, इंसिडेंट्स पैटर्न सब रिपीट होके आपकी लाइफ में आता रहता है जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते।
आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा. मिला है तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए. कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट्स में बताइए. मैजिक डोज के बारे में जानना है तो भी कमेंट्स में बताइए. मिलती है किसी वीडियो ऑडियो या फिर मैसेज के साथ. तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय.